हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लांट एंड ब्लूम्स। कैसे हैं आप सब? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो मैं लेकर के आई हूँ, मैं इस गुलाब के प्लांट पर लेकर के आई हूँ। ये एक ग्राफ्टेड रोज़ है और ये आपने मेरी पुरानी, मैंने जो अभी रिसेंट में वीडियो शेयर करी थी, आपने उसमें ज़रूर देखा होगा। सो फ्रेंड्स, उसमें आपने हालत देखी होगी कि बिल्कुल एकदम ऐसी डंडी सी खड़ी थी जिसमें बिल्कुल भी जान नहीं थी। और ये देखिए, बारिश के पानी पड़ने के बाद इसकी ग्रोथ देखिए गाइस, बिल्कुल न्यू लीव्स आ गई हैं। और इसमें फर्टिलाइज़र ऐड किया हुआ था, मैं आपको बता दूँ। ये देखिए, जैसे कि गोबर खाद हो गया आपका, वर्मी कंपोस्ट हो गया, तो इस तरीके का इसमें फर्टिलाइज़र ऐड किया गया था। और बाकी ये बालकनी में था, बट ये अभी यहाँ पे लाके रख दिया गया है क्योंकि बारिश काफ़ी दिनों से अच्छी हो रही है। एंड आपको पता है, बारिश एक अपने आप में, जैसे ही मैंने पहले भी बताया, बारिश अपने आप में एक नेचुरल फर्टिलाइज़र है। और अभी आप कुछ दिन में देखेंगे गाइज, ये एक बहुत ही सुंदर हो जाएगा, एकदम घना। ये देखिए कैसे छोटी छोटी लीव्स निकल रही हैं, ब्रांचेस, ये देखिए यहाँ पे भी, ये देखिए, और ये देखिए नई नई लीव्स आ रही हैं। तो देखिए, गर्मी में क्या होता है कि जो रोज़ेस होते हैं वो थोड़े ख़राब हो जाते हैं, चाहे वो देसी हो या ग्राफ्टेड हो, आपका कोई भी रोज़ हो, तो क्या होता है कि वो गर्मियों में ना थोड़े ख़राब से हो जाते हैं। और अभी इनके लिए बेस्ट सीज़न है बारिश का, जिसमें बहुत अच्छे से ये ग्रो करेंगे। मैं आपको एक और गुलाब का दिखाती हूँ। सो गाइस, एक ये है मेरा गुलाब का प्लांट, और ये देखिए, ये गाइस बिल्कुल देसी है। आई थिंक नो गाइस, ये देसी नहीं है, ये भी ग्राफ्टेड ही है। एंड इसका जो फ्लावर है, मैं आपको दिखा दूँ गाइस। एक्चुअली ना, मुझे ना बड़ा कंफ्यूजन था पहले कि ये देसी है या फिर ग्राफ्टेड है, बट मुझे बाद में समझ में आया जब मैंने इसको यहाँ से देखा। ये देखिए, ये एक अलग से स्टेम है, इस स्टेम में से इन्होंने ग्राफ्टिंग करी हुई है। तो ये भी मेरा इंग्लिश रोज़ है, एंड इसके फ्लावर्स बहुत खूबसूरत आते हैं, बिल्कुल वाइट और पिंकिश कलर के। जैसे ही फ्लावर्स आएंगे मैं इसमें आपको ज़रूर शेयर करूँगी। बाकी गाइज, ये देखिए, ये है देसी, ये बिल्कुल देसी रोज़ है। अब मैं आपको देसी और जो हमारे ग्राफ्टेड होते हैं, इनकी मैं पहचान करा देती हूँ कि आपको कैसे लगेगा पता। तो मैं, ये देखिए, ये मेरा पॉट है। अब गाइस, अब यहाँ देखिए, ये बिल्कुल डंडी से नीचे से देखिए ऐसे है, यहाँ पे कहीं पे भी जोड़ नहीं लगा हुआ है, कहीं पे भी जॉइंट पे कोई जोड़ नहीं है यहाँ पे। और गाइज, इसके स्टेम तो देखिए, मेरा बहुत पुराना है ये प्लांट गुलाब का, और कोई भी जोड़ नहीं है कहीं पे भी, आप ये देख रहे हैं, कोई जोड़ नहीं है यहाँ पे कहीं पे भी। तो ये हमारा देसी गुलाब है, आप इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिन लोगों को भी कंफ्यूजन हो कि कौन सा देसी है और कौन सा इंग्लिश रोज़ है, विदेशी है। हाँ, आप कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये देखिए गाइस, इसमें अभी बर्ड्स आनी शुरू हो गई हैं मेरे देसी गुलाब में। इसमें भी देखिए अच्छी ग्रोथ आ रही है, और ये बर्ड आ गई हुई है। इसमें लीव्स देखिए गाइस, कितनी खूबसूरत लग रही है। तो अभी तो कुछ इस तरीके से ये ग्रो कर रहा है। ये भी मेरा गाइस देसी रोज है, मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए, कहीं पे भी कोई ऐसा जोड़ नहीं है, आप ये देखिए, बिल्कुल ये जड़ से ही ऐसा है पूरा, कोई जोड़ नहीं है कहीं से भी। तो ये भी मेरा एक देसी प्लांट है गाइस, मतलब देसी रोज़ है।
तो ये होती है पहचान। और अभी आपको मैं दिखाती हूँ, ये इंग्लिश रोज़ देखिए, ये ग्राफ्टेड है, ये अलग से एक स्टेम है कोई जंगली रोज़ की हो सकती है या किसी जंगली प्लांट की, और उसको यहाँ से ऐसे ग्राफ्ट किया हुआ है। तो गाइज जो ग्राफ्टेड होते हैं कुछ इस तरीके से होते हैं, मैं आपको एक और दिखाती हूँ। ये देखिए गाइज ये ग्राफ्टेड है, ये अलग से कोई स्टेम है, ये अलग से ग्राफ्ट है। तो ये होती है इंग्लिश रोज़ की पहचान। आपने जो मेरे अभी देखे बिल्कुल स्टेम से थे, बिल्कुल सिंपल, कुछ भी ऐसा नहीं था उसमें। और ये देखिए तो इस तरीके से गाइज आप पहचान कर सकते हैं अपने इंग्लिश रोज़ की। बाकी गाइज इंग्लिश रोज़ में कुछ नहीं, आपको नॉर्मल जैसे आप देसी रोज़ की केयर करते हैं, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट हो गया आपका, बोन मील हो गया, आप उस तरीके का फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं। गाइज वन मोर थिंग मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, वो ये है कि आप जब भी फर्टिलाइज़र ऐड करें इसमें, गाइस देखिए एक चीज़ दिखाती हूँ आपको कितनी खूबसूरत लग रही है, ये देखिए बिल्कुल मोती जैसे, ऐसे बूंदे ऐसे लग रही है जैसे मोती, क्योंकि हमारे यहाँ रात को बारिश हुई है और ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। मौसम भी अभी देखिए बहुत खूबसूरत हो रहा है, बहुत ज़्यादा। हाँ तो जैसे कि मैं बता रही थी फर्टिलाइज़र के बारे में, आप जब भी इसकी मिट्टी बनाएं रोज़ प्लांट की, चाहे फिर वो आपका देसी हो या फिर इंग्लिश रोज़ हो, तो आप उसमें क्या करें कि एक नेल्स आती हैं, जैसे आप दीवारों में लगाते हैं हम कील होती हैं लोहे की, आप मिट्टी में ना उसको कहीं दबा दें, छोटी छोटी दो चार मिट्टी में दबा दें। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस प्लांट को ना जिंक पसंद है, या फिर जैसे कोई पुराने लोहे का जैसे जंग का बुरादा काइंड ऑफ होता है, पाउडर होता है, आप उसको मिट्टी में ऐड कर दें, क्योंकि ये जो प्लांट होते हैं ना गुलाब के, इनको ना आयरन जिंक ये सब बहुत पसंद होता है। तो आप मिट्टी में जब भी आप बनाएं तो वर्मी कंपोस्ट, वैसे गाइज ये प्लांट ना गोबर खाद भी बहुत पसंद करता है, तो थोड़ा वर्मी कंपोस्ट, थोड़ा गोबर खाद, थोड़ा बोन मील और थोड़ा सा जो मैंने अभी बताया आपको लोहे का थोड़ा सा पाउडर काइंड ऑफ, या फिर पाउडर नहीं है तो थोड़ी सी कीलें होती हैं नेल्स, आप उसमें डाल दीजिए मिट्टी में, तो आप ऐसे इसकी मिट्टी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज नीम खली इन्फेक्टिसाइड ज़रूर ज़रूर डालिए, ऐड कीजिए नीम खली डालिए, और बाकी गार्डन सॉइल हो गया आपका, तो इस तरीके से इसकी मिट्टी तैयार करेंगे तो आपका जो प्लांट है ना बिल्कुल अच्छे से ग्रो करेगा और बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, मैं आपको श्योरिटी के संग कह रही हूँ। और आप ये देखिए इतने इतने ना गुलाब के प्लांट चलते नहीं हैं, और मेरा तो इसमें तो कितना ज़्यादा इन्फेक्ट, बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट इसका इनका अटैक हुआ था, कितना इन्फेक्शन हो गया था, बट उसके बाद भी देखिए मेरा प्लांट चल रहा है और इवन नई नई ग्रोथ दे रहा है। और वो वाला भी देखिए, उसको तो ऐसा लग रहा था बस जला ही जाएगा, बट देखिए। तो मैंने जैसे कि बताया ये मिट्टी ज़रूर ऐड कीजिए, बाकी वीट ये थोड़ा लंबा हो रहा है, तो अभी फिर मिलूँगी आपसे मैं नए टॉपिक पे नए वीडियो के साथ। बाकी गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच जितने भी कमेंट आते हैं, थैंक यू सो मच गाइज, आप इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहें, एंड फिर मिलूँगी आपसे, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी गार्डनिंग गाइज़।